दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी घरों में लगेगा जो है बिजली प्रीपेड मीटर, ठीक ना। तो अब बिजली प्रीपेड मीटर क्या होता है और इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होने वाला है हम लोगों को, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा और किस तरह लगेगा, कब तक लगेगा, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि बिहार सरकार ने घोषणा की बिहार के सभी घरों में लगेंगे बिजली प्रीपेड मीटर, ठीक, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इससे फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी घरों में बिजली प्रीपेड मीटर लगेंगे। यह काम हो रहा है, अब तक इस काम को और तेज गति से किया जाएगा। यह काम चालू है और जो है इसे तेजी गति से किया जाएगा। प्रीपेड मीटर लग जाने से उपभोक्ता को गलत बिजली बिल की समस्या निजात मिल जाएगी, ठीक ना। इसका कहना है गलत बिजली बिल जो आता है उससे निजात मिलेगी, उससे कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा आपको। उसके बाद साथ ही राज्य के दोनों विद्युत कंपनियों को हो रहे नुकसान से काफ़ी कमी आ गई जाएगी, ठीक ना। तो नुकसान से भी काफ़ी कमी आ जाएगी। तो उन्होंने पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसियों को यह काम लगाकर इसे कराया जाए, ठीक ना। ज़्यादा एजेंसी को ऑर्डर दिया गया है, यह काम जल्दी से जल्दी कराया जाए, यह हम लोगों का सपना है। मुख्यमंत्री शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3130 करोड़ लागत से जर्जर तारों की जगह नए तारों का औपचारिक लोकार्पण 1341 जो है करोड़ की योजना का उद्घाटन व 383 करोड़ योजना का शिलान्यास करने की बात अपना संबोधन दे रहे थे, ठीक ना। तो तार भी बदलने की बात कर रहे थे जो जर्जर तार है। उसके बाद सीएम ने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाने की योजना को केंद्र भी स्वीकार कर चुके हैं। वर्ष 2016 में जो है यात्रा के दौरान हमने देखा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत बिजली को के बिल में गड़बड़ी से संबंधित ज़्यादा शिकायत मिल रही है, ठीक ना। तो वर्ष 2016 में जो है यात्री को जो है यहाँ पे दौरान जो है बिजली से संबंधित ज़्यादा शिकायत मिल रही है, बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो उसके बाद शिकायतों का निवारण किया जा रहा था, ठीक है। प्रीपेड लग जाने से यह बात जो है समस्या भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जनता फिर काम करने का मौका देगी, ठीक ना। तो जनता जो है काम करने का मौका देगी, इसका कहना। तो अगले बार हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा देंगे, तो पानी भी उपलब्ध करा देंगे। तो अब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, 3130 जो है करोड़ की लागत लोग नए बिजली तारों को लोकार्पण किया, ठीक ना। उसके बाद 1341 करोड़ का योजना का उद्घाटन, 383 करोड़ का शिलान्यास, ठीक। शनिवार को विभिन्न योजना के उद्घाटन व शिलान्यास के दौरान सीएम नीतीश कुमार, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको देख लेते, उसके बाद आपको मैं कुछ और बताऊंगा। तो वर्ष 2005 में जो है 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बिहार में हो रही है, जो आज 5932 जो है मेगावाट हो गई है। हर घर बिजली तक पहुँचाने का काम 2018 तक पूरा कर लक्ष्य था, जिसे 2018 में ही पूरा कर लिया गया था, ठीक ना। तो 2018 तक लक्ष्य था, लेकिन 2018 में 2 अक्टूबर तक ही पूरा कर लिया गया था बिजली। अब इससे क्या फायदा होने वाला, इससे फायदा ये होने वाला, मान लीजिए आप घर में हैं तो रिचार्ज कराएं, बिजली जितना यूज कीजिएगा उस तरह से आपका चलेगा। रिचार्ज कीजिएगा तो बिजली चलेगा, रिचार्ज खत्म बिजली खत्म, ठीक ना। उसके बाद मान लीजिए आप 1 महीने के लिए कहीं चल गए, घर पे कोई नहीं है, 1 महीने के लिए कहीं चल गए, ठीक ना। तो उसके लिए क्या होगा कि 1 महीने का आपका बिजली बिल नहीं लगेगा, वो बचेगा। और घाटा क्या है, घाटा यहाँ पर गरीबों के लिए क्या है कि गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो बिजली नहीं चला सकता, मतलब कि उसको हर हाल में पैसा देना पड़ेगा। जिस तरह से मोबाइल का सिचुएशन है कि मोबाइल में आपका पैसा रहेगा तो बात कर सकते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी सिचुएशन रहेगा कि आप जो है अगर मीटर में पैसा है तो आप जो है मीटर यूज कर सकते हैं, बिजली यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसमें क्या होगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरह से उसका भी कोड आता है, उस तरह से आप वहां पे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। तो कैसे रिचार्ज कीजिएगा, किस तरह लगेगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा कि इस तरह आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या लगता है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।